So I just want to share very few things. As we were praying there, Pastor, जैसे हम यहाँ पर अभी आपके दुआ आपके कलीसिया को जैसे देखा हमने और मैंने मेरे ज़बान से बात निकली थी strong. And I believe the prophetic word for this church is strong. Amen. Say strong. Everybody say strong. ताकतवर. Hallelujah. खुदा हमें क्या बनाना चाहता है? क्या बनाना चाहता है? मैं वाकई में डैनियल की लाइफ से इतना मुतासर हुआ हूं. मैं ये देखता हूं कि कैसे वो भूखे प्यास से लड़के वहां पर पहुंचे और उस जगह पर पहुंचे. उनके सामने इतना बड़ा दस्तरखान लगा था, इतना सारा उनके सामने खाने पीने का खूबसूरत सामान था, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया. क्या कर दिया उसको? उन्होंने कहा कि हमें राजा का खाना नहीं खाना है, उसके भोजन को हमें नहीं चखना है. इस दुनिया के अंदर भी बहुत बड़ा एक बैंक्वेट लगा हुआ. और लेकिन वो लड़के स्ट्रॉन्ग थे. क्या थे वो? क्या थे? सबल है. स्ट्रॉन्ग थे. क्या थे? हमें स्ट्रॉन्ग होना है अपने फेथ में. हमारे सामने भी तरह तरह की मैं रखी जाएगी, हमारे सामने भी तरह तरह की चीजें सजाई जाएंगी. मेरे साथ होता है एज ए पैस्टर, आप हैरान होंगे, मेरे साथ होता है कई बार. एवं मैं मिनिस्ट्री के लिए कहीं पर गया तो वहां पर जैसे पैस्टर पीटर हैं, हम लोग दो भाई जो हैं, जब हम प्रेयर हम खाना खाने गए तो उन्होंने कहा अनिल भाई हो जाए, यहां कोई नहीं, आप और मैं ही हैं, एक एक हो जाए, एक मंगा लेते हैं पूरी बोतल. मैंने कहा मंगाओ, मैं तोड़ने के लिए मंगाऊंगा. ये बात एक स्टैंडर्ड की बात है. ये मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी के वाइन पीने पे हम इल्जाम लगाएं या किसी के, लेकिन हमको जब खुदा ने कहा है कि मैं पी के मतवाला ना बन, है ना, लेकिन हम कहते हैं हम मतवाले नहीं बनेंगे, हम उतनी पी लेंगे जितनी. देखिए डैनियल के और उन लड़कों के चेहरे पे नूर इसलिए नहीं आया था कि उन्होंने वेजिटेरियन खाना खाया था. उनके चेहरे पे नूर इसलिए नहीं आया था क्योंकि उन्होंने मीट नहीं खाया था, बल्कि उन्होंने वो मीट नहीं खाया था जो बुतों के ऊपर सैक्रिफाइस किया गया. वो बुतों की कुर्बानी उन्होंने रिजेक्ट की थी. उन्होंने कहा कि हम वो नहीं खाएंगे क्योंकि वो जो नूर था, वो जो चमक थी, वो ये चमक थी कि उन्होंने यहोवा को ऑनर किया है. वो यहोवा को ऑनर करने की चमक थी. वो भी हमारे ऊपर आ सकती है. अगर हम अपनी जिंदगियों से खुदा को ऑनर करेंगे तो हमें आग की भट्टियों से निकालने वाला खुदा है. मैं ईमान लाता हूं कि अगर हम डैनियल जैसे और वो तीन लड़कों के जैसे अगर हम ईमानदार हो जाएं, हम देखते हैं कि डैनियल के चैप्टर के अंदर नबूकदनज़र अपनी गवाही दे रहा है कि कैसे वो बिलीवर बन गया है. वो अपनी टेस्ट, कैन यू इमेजिन, नबूकदनज़र अपनी टेस्टिमनी लिख रहा है और वो कहता है कि मैं अब जान गया हूं कि वही खुदावंद खुदा है. इमेजिन एक दिन हम ये देखें कि नरेंद्र मोदी कहता है कि सच्चा खुदा यीशु मसीह ही है. एक दिन नवाज शरीफ कहे कि यीशु मसीह ही खुदा है. मैं कहता हूं क्या ये नामुमकिन है? ये नामुमकिन नहीं है. हमें डैनियल बनने की जरूरत है, हमें शत्रक मशक और अबेदनेगो बनने की जरूरत है, हमें वो इंसान वो लोग बनने की जरूरत है कि लोग जब उनको पता चले, जब उनकी जिंदगी में मुसीबत आए तो वो कहे कि ये लोग हैं जो हमारी प्रॉब्लम को इंटरप्रेट कर सकते हैं. हालेलुया. Amen. अगर हम उनके साथ मिलकर मैकशी करेंगे तो वो हमको अलग कैसे जानेंगे? माइकल दारू पी के दंगा करता है. दारू की बोतल में डर 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 ए पीटर हुआ. अगर हम ऐसे बन जाएंगे, अगर आपको ही बोला सॉरी कल हमने पीटर की बात की थी, अरे मैं तो भूल गया. वही नाम है, जैसी सूरत ऐन की वैसी गैन की. जैसी सूरत ऐन की वैसी गैन की. एक नुक्ते से फर्क पड़े, एक तर जाए, एक डूब मरे. हालेलुया. वही एक ऐन है, वही एक गैन है, एक नुक्ता जो अलिफ जो है, यस्सु जो अल्फा ओमेगा जो एक अलिफ है, उससे फर्क पड़ता है. नाम अगर पीटर हो, एक पीटर वो भी हो सकता है जो खुदा के नाम को ऑनर कर सकता है. एक अनिल वो भी है जो यीशु को जानता नहीं है, लेकिन एक अनिल वो भी हो सकता है जो यीशु के लिए अपनी जान दे सकता है. हालेलुया. नाम से कुछ नहीं होता है. अपना नाम
हम जीसस भी रख ले तो कुछ नहीं होने वाला है। खुदा से हम कहते हैं ऐ खुदा मेरा यह हाल क्या है, खुदा कहता है पहले देखते रहा माल क्या है। वो हमारे अमाल की तरफ हमारी नजर डालता है, हम अपने कामों की तरफ नहीं देखते, हम अपने नाम रख लेते हैं। लेकिन खुदा कहता है स्ट्रांग बनो, क्या बनो, टाइम आ गया है हमारे ड्रामे खत्म हो, अब क्रिश्चियन होने की एक्टिंग हम नहीं करेंगे, अब हम क्रिश्चियन बनेंगे। हालेलुया। मैं जब से हमने ये फिल्में बनाने का सिलसिला शुरू किया, मुझे पता चला है कि चर्च से अच्छे एक्टर कहीं नहीं मिलते। अब तो हमने बाहर के एक्टर बुलाने छोड़ दिए, हमने कहा एक्टर चाहिए हमारे चर्च में आओ, ऐसे एक्टिंग करेंगे हम लोग कि आदमी कहेगा यार ये इससे बड़ा कोई, ओ माय गॉड, इससे बड़ा बिलीवर कोई नहीं है। लोग बॉलीवुड में ढूंढते हैं, आप इधर आओ हॉलीवुड में, इतने बड़े बड़े एक्टर मिल जाएंगे। पॉलिटिशियन आप यहां ढूंढो, ऐसी पॉलिटिक्स खेल के चले जाएंगे खाने के टेबल पे। पॉलिटिशियन भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, एक्टर भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें स्ट्रांग होना है। बोलो स्ट्रांग होना है। ये मेरी दरख्वास्त है कि खुदा का बंदा कहीं आता है तो एक पैगाम लेके आता है। वो मैं, मेरे सबसे बड़ा फियर इज दैट आई शुड नॉट बी एंटरटेनिंग यू ऑल। मैं मेरे को कई बार लोग कहते हैं गाना गाने वाले आए हैं या सिंगर आए हैं, नहीं, वो सिंगिंग नहीं, सिंगिंग मेरा काम नहीं है। सिंगिंग सिर्फ एक पार्ट ऑफ द माय मिनिस्ट्री है, सिंगिंग इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ माय मिनिस्ट्री, वर्ड ऑफ गॉड इज द रियल मिनिस्ट्री। जब हम खुदा का कलाम देते हैं वो रियल मिनिस्ट्री है। हालेलुया। लोग डिसमिस कर देते हैं, लोग कहते हैं कि ओ तुसी ओ जो तो गाने वाले ने, हाँ जी यसु तो तरखान था। हालेलुया। ये नाजरत का है यार, नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? लोग आपको भी शायद कुछ ना समझे, पीटर पॉल अभी तो 10 साल हुए, हम तो 40 साल से चर्च चला रहे हैं, मुंडा जो है हंसदा रहता है, अगर ये सीरियस भी हो यार। गलतियां तो हम किसी में भी निकाल सकते हैं, जीसस में हम गलतियां निकाल सकते हैं, उसके सूअर क्यों मार दिए इतने सारे? अब जीसस में भी गलती निकाल सकते हैं ना, किसी बेचारे के सूअर थे, उनमें बदरूहें भेज दिए, अब तो वो बेचारे का बिजनेस बंद करा दिया। ये खुदा का बंदा कोई ऐसे करेगा काम? देखो जीसस ने ऊंट को कह रहे हैं, ऊंट को स्वर्ग में भेजेंगे, बंदा बेचारा साथ में खड़ा है, तू नहीं जा सकता, ऊंट जा सकता है। दिस इज नॉट अ मैन ऑफ गॉड, दिस इज नॉट अ मैन ऑफ गॉड। हंस लो, ऐसा कुछ नहीं। बोला यीशु मसीह की, सब बोला यीशु मसीह की। देखिए ईमान में हमें मजबूत होना है, विश्वास में हमें मजबूत होना है। सारी जितनी लोगों ने दी, जो खुदा ने जो पहले जो तोरा आया, जो सारे जो लॉ आया, उसके बाद यशायाह ने थोड़ी कम की, उसके बाद डेविड ने कम की, लेकिन एंड में सारी बात एक आती है, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। कि रास्तबाज जो है वो कैसे जिंदा रहेगा? हालेलुया, आमेन। भाई के लिए ताली बजाएंगे, हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे। तमाम जो ईमान करते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। मेरे पास एक बहुत खूबसूरत स्क्रिप्चर है, हिब्रानी किताब 5:7 बुक ऑफ हिब्रियस चैप्टर 5:7, हु इन द डेज ऑफ हिज फ्लैश, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हु इन द डेज ऑफ हिज फ्लैश व्हेन ही हैड ऑफर्ड अ प्रेयर्स एंड सप्लिकेशंस विद स्ट्रांग क्राइंग। कैसे? बोलो स्ट्रांग क्राइंग। And tears unto him that was able to save him from death and was heard in that he feared. Hallelujah. मैं हिंदी में पढ़ता हूं। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं की, विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। I'm sure you can understand Hindi. Hallelujah. कभी कभी मुझको ऐसा लगता है ना, लैंग्वेज के चक्कर भी बड़े होते हैं। हम आपका चर्च नहीं आ सकता, वो हिंदी चर्च है।
हम इंग्लिश चर्च जाता है, एक दिन फोन किया किधर बैठे, हम दबंग देख रहा है, ये दबंग इंग्लिश में है। क्या लोग हैं यार, इनको गब्बर सिंह के सारे डायलॉग आते हैं, इनको बाइबल नहीं आती है, हिंदी में पढ़ने में इनको बस तकलीफ होती है। बोले यीशु मसीह की लैंग्वेज समझना, ये सिर्फ हमारे ड्रामे हैं, इसको समझ आती है ना उसको पता है कि इसका मतलब क्या है। किसी ने तो मुझे पास्टर जी ये बेनती क्या होता है, मैंने कहा तुम्हारा मुसीबत पड़ती जो वो करते हो वो बेनती होती है। बोले यीशु मसीह की, सारे बोले यीशु मसीह की। क्यों हम इतना एक्ट करते हैं, हम खुदा का कलाम कहता है कि हम रो रो के विनती करें, कैसे विनती करें, रो रो के विनती करें, हम हमारे हालेलुया में भी दम नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया में हाय ज्यादा सुनाई देती है, हालेलुया। अरे अब हालेलुया जोर से बोलो, आपका कन्फेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी प्रेयर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी प्रेयर के अंदर दम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा चीख चीख के प्रेयर करूं, लेकिन यहां कलाम कह रहा है कि उसने पुकार पुकार के ऊंचे शब्द में प्रार्थना की। एक ऐसा भी समय होता है कि जब हम जोर जोर से प्रार्थना करते हैं हम बहुत डिग्निफाइड हो जाते हैं, गॉड कर दे, हमको लगता है कि कोई देख ना ले हमको प्रेयर करते हुए, कोई बुरा ना मान जाए, कोई हम अनडिग्निफाइड ना लगे, हम स्टाइल में ही रहते हैं। लेकिन खुदा के सामने कोई स्टाइल नहीं चलता है, खुदा के सामने आप चीख चीख के प्रार्थना करें। हालेलुया। और मैंने इस चीज को देखा है, जब मैंने रो के खुदा से, जब मेरे पाँव में इतना दर्द था, मेरे पाँव में इतना पेन था, आज से दो हफ्ता पहले मैं रोज सोने से पहले, मुझे सोने से पहले मैं रोज घुटनों पे जाता हूँ और प्रेयर करता हूँ। और मुझे मुझे डॉक्टर ने बोला ये आप घुटनों को मत यूज करें ऐसे प्रेयर के लिए, आपके घुटनों से प्रॉब्लम। और मैं उठते, मेरे को ये है कि मेरे को उठते ही घुटनों पे जाना है सोने से पहले, और मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कैसे घुटनों पे जाऊं, कि एक जा रहा है एक नहीं आ रहा। मैंने रो रो के खुदा से कहा, मैंने ये नहीं कहा मेरा घुटना ठीक कर दे, मैंने रो रो के कहा कि मुझे अपने घुटनों पे जाके तेरी दुआ करनी है खुदा। हालेलुया। और मैं रीना से डर डर के प्रेयर करता था, क्योंकि मैं एक टांग ऐसे करके और एक टांग घुटने में प्रेयर कर रहा, मुझे पता है वो आ जाएगी, उठो चलो, दूसरी भी खराब कर ली तो कैसे जाएंगे। तो मुझे पता था जब ये खाना बना रही है उतनी देर प्रेयर कर लो। बोले यीशु मसीह की, ये वो मेरा बुरा नहीं चाहती है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम रो रो के, मैं कहता खुदा तो मुझे शिफा दे, आप अपनी शिफा, आप अपनी बरकत, आप अपनी लाइफ के जो मैटर्स हैं, लुक वार्म होके नहीं मांगे। अगर आज दर्पण किसी चीज से गुजर रहा है, चीख के मांग खुदा से, बेटा बी स्ट्रांग इन योर प्रेयर, बी स्ट्रांग इन योर प्लीडिंग टू द लॉर्ड, से लॉर्ड ब्लेस मी, अरे खुदा तू मुझे बरकत दे, तू मेरी हदों को बढ़ा। कैसे याबेज ने चिल्ला के उसने दुआ की। हालेलुया। हमारी दुआ के अंदर ही दम नहीं, क्योंकि हमारे ईमान में, क्योंकि अंदर ईमान इतना सा है और दुआ भी इतनी सी है। अगर हमारा ईमान भी मजबूत हो जाए, हमारी दुआ भी मजबूत हो जाएगी, फिर उसके बाद ऐसा होगा कि आपका ईमान इतना मजबूत होगा आपको चीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे यीशु के नाम से हो जा, तो हो जाएगा। जब गाना सिखाते हैं तो पहले बोलते हैं सा, जोर से बोलो सा, कहते जब आपको बड़ा सा लगेगा ना तो अपने आप छोटा भी जो है अच्छा लगेगा। हालेलुया। जब आप अच्छी जोर से दुआ करना सीखेंगे, और पंजाबी लोग तो ऐसे करते हैं, किसी ने गुरुजी के पास जाके गाना सीखने लगे, उन्हें बोला मेहनत नहीं करनी ना हमको, उसने बोला बेटा सा सा अल सा रे ग म प ध नि सा, तो गुरुजी ने बोला बेटा अभी बोलो सा, बोले सा, बोले ऊपर वाला सा, तो गुरुजी चाह रहे ऊपर वाला सा लगा, तो ऊपर वाला सा कौन इतना कष्ट उठाए, ये ऊपर वाला सा लगाने में थोड़ी जान लगती है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो हम स्ट्रांग प्रेयर करेंगे, बोलो स्ट्रांग प्रेयर करेंगे। आप खाना बनाते बनाते स्ट्रांगली प्रेयर करो, बोलो यीशु मसीह की खुदा तू मेरे लिए कर दे। किसी से शर्माओ मत, कुछ नहीं समझ आ रहा, बर्तन बजाना शुरू कर दे,
लेकिन दम लगाओ, हालेलुया। ये कोई तरीका नहीं है, खुदा के सामने कोई तरीका नहीं है, लेकिन खुदा के सामने आपकी ताकत और आपका प्यार और आपकी शिद्दत से, जैसे यीशु ने पुकार पुकार के दुआ की। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं, प्लीज ये मैंने नहीं, वो कहता है उसने ऊंचे सुर से पुकार पुकार के दुआ की, और उसके ईमान के कारण, उसके भक्ति के कारण उसकी, वाह, इट इज नॉट रिटन बाय मी, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। आई एम नॉट सेइंग इट, कल को उठ के बोले पास्टर कहते हैं चीख के प्रेयर करने से दुआ सुनी जाती है। प्लीज डोंट टेक एनीथिंग रॉन्गली, but because it is the scripture that says it says so, then it says so, and it says that you should be praying in strong and a loud voice to the Lord. Amen? Amen. Can we give a clap offering, a strong clap offering to the Lord? Hallelujah. फिर वो ये भी कहता है कि अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, अब तक तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, उस्ताद हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि तुम्हें कोई वचनों की शिक्षा फिर से सिखाए, ऐसे हो गए हो कि जैसे तुम्हें अन्न के बदले अभी तक दूध ही चाहिए। और मुझे मालूम है कि कलीसिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ दूध 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 करते रहते हैं। मैं नहीं मानता, मुझे तो पास्टर जी खाना खिलाएगा। आपका फेवरेट वर्स क्या है? 3:16। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, अकलौता, ये तो अच्छा है बेटा, आगे भी कर ले, थोड़ा बाइबल स्टडी भी आ जा बेटा, थोड़ा और कलाम पढ़ ले, है ना। ही इज द वे द ट्रूथ एंड लाइफ। अच्छी बात है, ये बातें बहुत अच्छी, लेकिन हमें कलाम में क्या करना है, स्ट्रांग होना है। और मैं बहुत खुश हो रहा था जब ये टेस्टिमनी देख रहा था, उसमें हमारे एक भाई ने कहा कि हम कलाम में मजबूत हो रहे हैं, हमें और मजबूत होना है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, दिस चर्च हैज टू बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज आई लव दिस चर्च, आई लव दिस मिनिस्ट्री, नॉट बिकॉज दिस इज पास्टर पीटर इज माई फेवरेट, या इनसे मैं मुतासिर इस तरह से हूं कि ये इनका स्टाइल अच्छा है, नहीं, बिकॉज मैं ये देख रहा हूं कि ये खुदा का काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। हालेलुया। और अगर ये नहीं भी करते हो तो भी मैं इनसे प्यार करता, लेकिन ये कर रहे हैं तो और एक रीजन होता है कि हम इनसे प्यार करें और आप सबसे प्यार करें। बोलो यीशु मसीह की, सब बोलो यीशु मसीह की। हमारा पर्पस यही है कि कलीसिया स्ट्रांग हो, हमारा पर्पस ये है कि ईमानदार लोग जो है, दीनदार लोग जो है, वो और स्ट्रांग होते जाए, क्योंकि तब ही हम इतने स्ट्रांग होंगे, तभी कोई मोदी जो है हम दुआ करेंगे, जब हम ऐसे बनेंगे तो एक दिन इस तरह के जो लीडर्स हैं, जैसे भाई ने कहा कि यहां इतनी परसिक्यूशन है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते हैं, इसके लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? कमान से स्ट्रांग, कमान से स्ट्रांग, कमान से स्ट्रांग। आपके सामने गलत प्रपोजल आएंगे, आप क्या बनेंगे? आपके सामने आएगा कि आप शैतान के सामने झुक जाओ, कोई बात नहीं, आज पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लो, नो आई एम, कर लो, कोई नहीं मिल रहा रिश्ता, इसी से शादी कर लो, नो आई एम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, फियर, कॉम्प्रोमाइज फियर की वजह से आता है, लेकिन खुदा ने हमें दहशत की रूप, कुदरत, मोहब्बत और अकल की तरबियत की रूह दी है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो स्ट्रांग होना है, बोलो स्ट्रांग होना है, बोलो स्ट्रांग होना है। हालेलुया। एक आखिरी बात मैं बताता हूं, उसके बाद आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सेकंड कुरिन्थियंस 12:10 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियंस 12:10 में, देयरफॉर आई टेक प्लेजर्स इन इनफर्मिटीज, in reproaches, in necessities, in persecution, in distress, for Christ's sake, because when I am weak, then I am strong. Hallelujah. Hallelujah. Well, when I am weak, then I am strong. When I am weak, when I am weak, when I am weak, then I am strong. Then I am strong. Hallelujah. There will be times in your life, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरे भाइयों, आप बहुत वीक फील करेंगे। The life has
ditched you. People have ditched you. लोगों ने आपको धोखा दिया है. पास्टर पूछ रहे थे बादाम की बात. अकल बादाम खाने से नहीं आती है, अकल धोखा खाने से आती है. करेक्ट है राजेश? अकल कैसे आती है? आप ऐसी बादाम खाए जा रहे हो, दो चार धोखे खाओ सब ठीक हो जाएगा. आमीन. अच्छा है धोखे को, अच्छा है. आपने अपना सारा जो अपना सारा विश्वास है एक आदमी के ऊपर लगा दिया, आपने अपना सारा फेथ किसी इंसान के ऊपर लगा दिया और उसने आपको एंड में इतनी स्वीटली मलाई की तरह निकाल दिया. बोलो यीशु मसीह की. और आपको एहसास भी नहीं होने दिया कि आप चीटेड हो, क्योंकि ये कला लोगों को आती है. बस अनिल भाई आधा घंटा पहले आते ना तो आपका काम हो गया था. अब आपका काम हो गया, जाओ. प्रेज गॉड व्हेन आई एम वीक, प्रेज गॉड व्हेन आई एम रिजेक्टेड, प्रेज गॉड व्हेन आई एम लेफ्ट आउट, प्रेज गॉड व्हेन आई एम हिट, प्रेज गॉड व्हेन आई एम चीटेड, प्रेज गॉड व्हेन पीपल परसेक्यूट मी, प्रेज गॉड व्हेन पीपल हेट मी, दे हर्ट मी. प्रेज द लॉर्ड बिकॉज देन आई एम वीक. तब खुदा अपनी ताकत मेरे अंदर जाहिर करेगा. हालेलुया. देखिए हमारा खुदा जो है, मैं इस रोज एक बात याद आ रही, हमारा खुदा आपकी लाइफ में, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्क्रिप्चर यशायाह की किताब 9:6 कि ही इज अ वंडरफुल काउंसलर, अजीब मुशीर. आमीन. अद्भुत, हिंदी में कहते हैं अद्भुत युक्ति करने वाला. क्या बोलते हैं? बोलो अद्भुत, बोलो अद्भुत. अजीब अजीब तरीके हैं उसके. कैसे तरीके हैं? क्या तरीका है? यरीहो की दीवारों के पास खड़े होकर गाना गाओ, शोर मचाओ, दीवार गिर जाएगी. कोई अगर सेंसिबल आदमी से पूछे तो कोई कहेगा ये क्या है, है ना? क्या मतलब, तो ये किसी को बोलो भैया हॉल बुक करना है, हॉल के आगे जाके खड़े हो जाओ, मिट्टी लगा ले आंख में. अजीब है ना, खुदा के तरीके कैसे हैं? हालेलुया. और इसीलिए हम भी अ पेक्यूलियर नेशन है, हम भी एक अजीब सी कौम है. लोग मजा कहते हैं, हम मजा कहते हैं. हालेलुया. बोलो हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आज खुदा ने आपकी लाइफ में ये वीकेस्ट पॉइंट लाया है. यूसुफ के साथ क्या हुआ था? खड्डे में गिरा दिया था उसको, अपने भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया. किसी ने कभी गुलेल चलाई है? गुलेल चलाते हैं तो ऐसे पीछे जाते हैं, फिर जब छोड़ते हैं, जितना बड़ा गड्ढा उतनी दूर पत्थर जाने वाला है. और जितनी बड़ी आज आपकी मुसीबत है, आपकी प्रमोशन उतनी बड़ी आने वाली है, आपकी प्रमोशन उतनी बड़ी आने वाली है. आज जितना बड़ा टेस्ट है उतनी बड़ी टेस्ट बनी होने वाली. आज जिन्होंने आपको छोड़ा है वो पछताएंगे कि उन्होंने हीरा छोड़ दिया. आज जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है वो बाद में बताने नहीं आएंगे, आप वेट भी मत करना, लेकिन वो याद करेंगे कि जो हमारे पास था वी लॉस्ट इट. ताली बजाएंगे हम खुदावंत के लिए.